आफ्टर वर्किंग 1.5 ईयर्स, जब थोड़ी सी बेटर प्रोफाइल हो गई कि मतलब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया 2 साल का, तो आई वॉज रीच आउट बाय रिक्रूटर्स फ्रॉम एमेजॉन गूगल. सो बेसिकली एमेजॉन पे मुझे लिंक्डइन पे एक रिक्रूटर ने रीच आउट किया था फॉर एन SG2 रोल, एंड फ्रॉम गूगल लिंक्डइन पे एक रिक्रूटर ने रीच आउट किया था फॉर एन SWE रोल. मैंने एक लिस्ट बनाई बेसिकली काफी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, एंड उसमें मैं अप्लाई करता था. मोस्टली मेरे को रिजेक्ट ही आते थे. मैं कोडिंग से पहले मैं लाइक बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नहीं था, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं था कोडिंग का. आई थिंक तूने क्योंकि अपनी जर्नी में सब कुछ करा है, तो डिड यू लर्न DSA बिफोर डेवलपमेंट? हाय एवरीवन, माय सेल्फ फारिक हेयर. सर वेलकम टू द न्यू वीडियो. और यार आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है. थोड़ी डिफरेंट इन द सेंस कि आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मैं एक बंदे को लेकर आया हूं जिसने अपनी जिंदगी में सारी अपॉर्चुनिटीज खुद से क्रिएट करी है. ही वॉज नॉट फ्रॉम अ ग्रेट कॉलेज लाइक IIT, NIT और DTU. ही वॉज फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज. उसके बावजूद उसने GSOC जैसी चीज फोड़ी है, उसने डेवलपमेंट से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी है, उसने गूगल जैसी कंपनी निकाली है, तो डेटा स्ट्रक्चर में भी अच्छे से फोड़ा है. तो उसकी पूरी जर्नी कैसी रही है अपनी लाइफ में, कहाँ कहाँ उसने कौन से डिसीजन लिए, कैसे लिए, एंड जो स्ट्रगल होते हैं एक नॉर्मल कॉलेज के बंदे के कि यार IIT नहीं हो आप क्या करें, वो सारी चीजें उसने फेस करी है. तो वो वीडियो में सब कुछ अपने हिसाब से बताने वाला है. मैं उससे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जो तुम लोगों को जनरली होते हैं. ही वॉज गोइंग टू आंसर देम एंड उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो प्लीज वीडियो के एंड तक रहना, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड मजा आएगा, तुम्हें सीखने को मिलेगा. और वीडियो पसंद वगैरह आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल का फोकस है तुम्हें राइट डायरेक्शन देना सो दैट यू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड. आज की डेट में तुम्हें डायरेक्शन मिलेगी कि डिस्पाइट फ्रॉम नॉट अ ग्रेट कॉलेज हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी अपॉर्चुनिटीज काफी सारी क्रिएट हो सकती हैं. सो चलते हैं एंड विदित से बातें करते हैं. हाय विदित, क्या हाल है? बस बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल. करते हैं डिस्कस, मजा आएगा. ठीक है. तो विदित, आई थिंक मैंने बताया लोगों की यार तेरी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है डिस्पाइट फ्रॉम नॉट अ ग्रेट कॉलेज. तूने जो भी उखाड़ा है अपनी जिंदगी में वो अपने आप खुद से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके उखाड़ा है, एंड डेवलपमेंट करी है, DSA करा है, गूगल जैसी कंपनियां निकाली हैं, GSOC फोड़ा है, तो बहुत सारी चीजें करी हैं एंड उन सब चीजों के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे. तो प्लीज गाइस स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा विदित की जर्नी से. तो विदित स्टार्ट करते हैं यार. आई थिंक सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 11th 12th में तूने भी काफी मेहनत करी होगी, IIT JEE के लिए एम करा होगा, बट चलो नहीं निकला, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, DTU भी नहीं, NIT भी नहीं, IIT भी नहीं, बट ठीक है हम किसी नॉर्मल कॉलेज में गए. नाउ हाउ डिड यू डिसाइड कि अब मुझे कॉलेज में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब डिसीजन कैसे लिए थे? तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बता लोगों को. तो हाँ, मतलब थोड़ा सा लगा तो था 3-4 महीने कि मुझे IITs NITs नहीं मिले. सो बेसिकली आई गॉट भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि GGS IPU IT यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है. तो ठीक पहले है. लगा कि यार मतलब अब आगे थोड़ा और प्रिपेयर कर लेते हैं, दोबारा मेंस दे देते हैं, एंड हो सकता है दोबारा कुछ हो जाए. बट देन लाइक अपने को थोड़ा कन्विंस किया कि नहीं, इट्स लाइक इट्स नॉट वर्थ वेस्टिंग 1 ईयर, मतलब इसी को लेके चलते हैं, मतलब थोड़ा इसमें मेहनत करेंगे एंड आगे थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस, मतलब ये बिलीव था. सही है, सही है. आई थिंक काफी नॉर्मल वर्ड्स में तूने काफी कुछ बता दिया, बट ठीक है, बट ठीक है. आई थिंक कॉलेज में तूने बहुत सारा काम करा, इसकी वजह से तेरे को कॉलेज के बाद अब वो फीलिंग बिल्कुल चली गई होगी, वो कॉलेज वाला फैक्टर तो बिल्कुल चले गई होगी. तो इसी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉलेज में ऐसा क्या है कि तूने जो सबसे बड़ी चीज फोड़ी हो, जो तेरे को लगता हो यार ये मैंने फोड़ दी, अब तो भाई कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी में. मैं कोडिंग से पहले मैं लाइक बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नहीं था, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं था कोडिंग का. तो पहले तो 1-2 साल ऐसा ही रहा, मतलब पहला साल ऐसा ही रहा कि कोडिंग सीखते हैं, थोड़ा सी C++ जावा ये सब सीखते हैं एंड देखते हैं क्या होता है सब कुछ. फिर धीरे धीरे पता लगा कि मतलब लाइक इसमें काफी सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं. तो एक गूगल समर ऑफ कोड का GSOC का पता चला कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इसमें. तो लेट्स मेक दिस द एम एंड इसके लिए प्रिपेयर करते हैं. तो फिर उसके प्रिपेयर करने के लिए आई लर्न अ फ्यू थिंग्स. फिर एट द एंड थोड़ा 6-7 महीने मेहनत करके उसमें एंड फाइनली उसको निकाला एंड मजा आया वो करके काफी. तो आई वुड से कि दैट वुड बी वन थिंग जो मुझे अच्छी लगती है कॉलेज में जो मैंने करी श्योर श्योर. बेसिकली. तो GSOC में जो फोड़ा, अब आई थिंक क्या लगता है कि तेरी सबसे ज्यादा क्या स्किल रही, क्या वेब डेवलपमेंट रही, तो किस में सीखा, एंड GSOC में भी किस स्किल में, किस लैंग्वेज में, किस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में तुझे लगता है तूने अच्छे से फोड़ा GSOC को? सो बेसिकली मैं GSOC से पहले वेब डेवलपमेंट सीख रहा था मोस्टली, श्योर श्योर एंड वेब डेवलपमेंट मैं सीख रहा था रूबी ऑन रेल्स में. तो श्योर. अब GSOC का ऐसा है कि ओपन सोर्स प्रोग्राम्स, बेसिकली ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट लेती हैं उसके अंदर, एंड इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो तुम अभी सीख रहे होगे मोस्टली लाइक वेब सीख रहे हो, एंड्रॉइड सीख रहे हो, मोस्टली उनकी एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन मिली जाएगी. श्योर
तो ऐसा था कि उसमें मेरे को एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन मिली, मैंने उसमें कंट्रीब्यूट करा 6-7 महीने 8 महीने, फिर कुछ प्रोसेस होता है उसका, प्रपोजल लिखना, बेसिकली तुम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो, यू राइट द प्रपोजल एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली बेसिकली यू गेट सिलेक्टेड फॉर जीसॉ, फिर उसके बाद तुम 3 महीने उस पर काम कर रहे होते हो. अभी शायद वो चेंज हो गया होगा कुछ, मतलब ऊपर नीचे हो गया होगा, बट लाइक मोस्टली यही रहता है. ठीक है, तो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो आई थिंक जीसॉक में तेरे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से जो तूने काम करा उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। बट जनरली ना लोग बिल्कुल ने एक चीज बहुत समझते कि यार अब जीसॉक निकालना तो डेवलपमेंट पढ़ना है, अब क्या डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े नहीं पढ़े कितना जरूरी होता है। तो आई थिंक तूने क्योंकि अपनी जर्नी में सब कुछ करा है, तो डिड यू लर्न डीएसए बिफोर डेवलपमेंट? करा था. सो बेसिकली पहले 1 साल मैंने थोड़ा लैंग्वेजेस पे फोकस करा कि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं कोडिंग से, मतलब सी सी प्लस प्लस जावा कुछ सीख लेते हैं, कुछ एक सीख लेते हैं. एंड देन उसके बाद जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, फिर कुछ टाइम मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से फोकस करा कि इसमें थोड़ी फाउंडेशन बनाते हैं, बिकॉज आई हर्ड एंड आई लर्न कि जितना बेटर डीएसए का फाउंडेशन होगा उतना बेटर बेसिकली आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी. तो मैंने 3-4 महीने उस पर लगाए, 100-150 प्रॉब्लम करी, एंड आई थिंक एनफ कंफर्टेबल हो गया मैं कोडिंग में कि आगे मैं थोड़ा डेवलपमेंट साइड पे फोकस कर सकूं. बेसिकली ये प्लान था. श्योर, आई थिंक काफी सही आंसर है लोगों के लिए कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं। आई थिंक एज पर विदित हेल्प जरूर करेगा आपको, एक अच्छा कोड लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर सीख लो, इट्स नॉट कि बहुत मास्टरी करनी है, बट करना आई थिंक सही होता है, हेल्प करता है डेवलपमेंट में भी। तो राइट विदित आई थिंक मस्त है, तूने कॉलेज में फिर डेटा स्ट्रक्चर भी कर लिया, डेवलपमेंट भी कर लिया, जीसॉक भी फोड़ लिया। अब कॉलेज के बाद क्या था, मतलब ऑफर ऑन कैंपस थे, कुछ ऑफ कैंपस थे, सारी अपॉर्चुनिटी आई थिंक ओवरऑल तूने खुद से क्रिएट करी थी, तो मतलब क्या फीलिंग है कि ये ऑफर आया तो क्यों आया होगा एंड कहाँ कहाँ से थे, थोड़ा सा कॉलेज के बाद की जर्नी बताओ आप। सो कॉलेज के लास्ट ईयर से शुरू करता हूँ मैं. कॉलेज के लास्ट ईयर में मेरे पास एक इंटर्नशिप ऑफर था कोडिंग निंजा से, बेसिकली वहां पे हम साथ में काम करते थे. एंड तो 1 साल मैंने उधर इंटर्नशिप करी, एंड बेसिकली वहां से कन्वर्ट होके वो फुल टाइम ऑफर मिला मुझे, विच आई हैड बेसिकली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज में कुछ कुछ कंपनीज आती थी, एंड उसमें सबको अप्लाई करना होता था, मोस्टली सब करते ही थे. एंड उससे मेरे को एक ऑफर था, पॉजिस्ट नाम से कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वहां से ऑफर था. तो बेसिकली एट द एंड आई हैड टू ऑफर्स, उनमें से एक चूज करना था. सो आई वेंट अहेड विद कोडिंग निंजास बिकॉज वहां पे पहले काम कर रखा था एंड इंटरेस्टिंग लग रहा था एंड मजा आ रहा था काम करने में, तो आई जस्ट वेंट अहेड विद दैट. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एंड कोडिंग निंजास में जनरली मैंने तो साथ में काम किया हुआ है, यू आर वर्किंग मोस्टली इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट वगैरह में बहुत सारा कंट्रीब्यूट करा है, कोड स्टूडियो में बनाने में भी कंट्रीब्यूट करा है। तो आई थिंक काफी सही था, आई थिंक विदित का काफी सही फीडबैक रहता था कि विदित को कुछ भी दे दो वो बना के दे देगा तुम्हें। तो आई थिंक ही हैज डन अमेजिंग वर्क। एंड आई थिंक 2 साल काम करा था तुमने कोडिंग निंजास में फुल टाइम? हाँ राइट. तो 2 साल 2 साल 1 महीने 2 साल जितना काम करा था कोडिंग ठीक निंजास है में फुल ठीक है। टाइम. हाँ तो डेवलपमेंट में तो तू फोड़ ही रहा था, इसके अलावा कुछ और भी ऑफर्स आ रहे थे जैसे कॉलेज के बाद तूने बोला कोडिंग जैसे था, बाद में कुछ और ऑफर्स एक्सटेंड हुए या कहीं और से आ रहे थे? हाँ सो मतलब आफ्टर वर्किंग 1.5 ईयर्स, जब थोड़ी सी बेटर प्रोफाइल हो गई कि मतलब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया 2 साल का, तो आई वॉज रीच आउट बाय रिक्रूटर्स फ्रॉम एमेजॉन गूगल. सो बेसिकली एमेजॉन पे मुझे लिंक्डइन पे एक रिक्रूटर ने रीच आउट किया था फॉर एन SG2 रोल, एंड फ्रॉम गूगल लिंक्डइन पे एक रिक्रूटर ने रीच आउट किया था फॉर SWE रोल. तो ये मतलब ऐसा था, मतलब अभी बस राइट, इंटरव्यू सही है. सही है सही। आई थिंक लोगों की ड्रीम होती है अमेजोन गूगल से, खुद से रीच आउट कर रहे हैं लोग, तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो विदित को शायद कॉलेज के बाद एकदम से अमेजोन गूगल वालों ने शायद रीच आउट नहीं करा, बट अगर तुम देखो उसने 1-1.5 साल अच्छे से काम करा एंड लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था, तो गूगल अमेजोन वालों ने खुद से उसको रीच आउट करा। एंड दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि यार डरो मत, हो सकता है आज तुम्हारे पास ये जो तुम एम करते हो ड्रीम कंपनी की आज नहीं आ रहे, स्किल्स पे काम करते रहो कभी ना कभी जरूर आएंगे। राइट, तो आई थिंक एज पर विदित डिस्पाइट फ्रॉम नॉट अ ग्रेट कॉलेज उसने एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद ऐसी कंपनी रीच आउट करने लग गई, तो काफी सही है। आई थिंक गूगल अमेजोन से रीच आउट करना एंड कोडिंग जैस में हम काम अच्छा ही कर रहे थे, तो सही है सही है। ठीक है, अब ऑफर्स भी आ रहे हैं, कोडिंग जैस में हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था विदित? सो आफ्टर वर्किंग 1 ईयर 1.5 ईयर, मेरा पहले से ही थोड़ा सा मन था टू वर्क इन द US, बेसिकली यहाँ की टेक कंपनीज में, बेसिकली यहाँ पे आके मुझे काम करना था कुछ टाइम. सो आफ्टर लाइक 1.5-2 ईयर्स, जब मेरा सब खत्म हो गया, लाइक जब काम खत्म हो गया, तो आई जस्ट अप्लाइड फॉर मास्टर्स, एंड मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ गया. एंड आई थॉट कि मास्टर्स वुड बी अ पाथवे जिससे मैं यहाँ पे पढ़ सकूंगा, थोड़ा सा अपने आप को टाइम मिलेगा आफ्टर वर्किंग, एंड आई कुड एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड फाइनली गेट टू अ कंपनी जहाँ पे मेरे को एक्चुअली जो मेरा गोल था, जहाँ मेरे को काम करना था. सो यही प्लान था बेसिकली. तो हम एमएस करने चले गए। राइट, तो बिल्कुल एमएस एमएस की कैसी लाइफ रही, चिल मारा या बेसिकली
पढ़ाई करने में ज्यादा टाइम रहा या कैसी कैसी रही ओवरऑल एमएस की जर्नी? नहीं, सो मास्टर्स में बेसिकली यहाँ पे काफी पढ़ाई होती है, मतलब वैसा है कि 2 साल होते हैं एंड अच्छे से ड्रिल डाउन करते हैं एंड कोर्सेज में बहुत सारा काम रहता है, असाइनमेंट्स होते हैं एंड तुम बिजी रहते हो बेसिकली, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 2 साल कब खत्म हो गए। तो बढ़िया जर्नी है, एंजॉयबल है एंड सब बढ़िया है। सही है सही है सही है, तो बढ़िया है बढ़िया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं एमएस करने के बाद? अभी आई थिंक खत्म होने वाली है तेरी, राइट? हाँ, तो अभी तक प्लान यही है कि गूगल वापस जाते हैं फुल टाइम एंड बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सही है सही है, तो गूगल से ऑफर रहा है राइट राइट फाइनल? तो आई थिंक एमएस में आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब जैसे तूने गूगल से आई थिंक ऑफर आ गया, बट आई थिंक बहुत सारी ऐसी कंपनीज रही होंगी जिससे नहीं आया होगा, एंड क्या है मतलब बेसिकली कुछ रहा है कुछ रिजेक्शंस रहे हैं या एमएस में जो चाहा वो मिल गया? नहीं, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होता, बट हाँ मतलब यू हैव टू बी परसिस्टेंट इनफ। तो मेरा ऐसा था, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया तो तब से अप्लाई करना शुरू कर देते हैं लोग इंटर्नशिप्स के लिए नेक्स्ट समर के लिए बेसिकली। तो मैं अगस्त या सितंबर में आया था एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर लाइक मई नेक्स्ट ईयर। तो मैंने तब से अप्लाई करना शुरू कर दिया था अगस्त सितंबर से एंड मैंने एक लिस्ट बनाई बेसिकली काफी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, मतलब यू कैन से 150-200 कंपनीज एंड उसमें मैं अप्लाई करता था। मोस्टली मेरे को रिजेक्ट ही आते थे एंड बट एट दी एंड ऐसा है कि 2-3 कंपनी से इंटरव्यूज आए फाइनली, सो गूगल से, क्वालकॉम से, टिकटॉक से एंड सो दीज वर ओनली द 3 इंटरव्यूज दैट आई गॉट एंड उसमें से क्वालकॉम कन्वर्ट हुआ एंड गूगल कन्वर्ट हुआ। तो अच्छा, इवेंचुअली आई थॉट कि गूगल चलते हैं एंड देखते हैं क्या सब है। काफी सही काफी सही, तो आई थिंक काफी आई थिंक इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए कि जितने भी 100-150 जगह अप्लाई करा आई थिंक कॉल 3-4 जगहों से आई। इंटर्नशिप पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कॉल आना आई थिंक, और ज्यादा इसलिए रेशियो कम हो जाता है, बट आई राइट द थिंग इज आई बिल्कुल आई। सो तो यू बेसिकली हैव टू बी परसिस्टेंट, मतलब करते राइट रहो अप्लाई, आएंगे रिजेक्शन, मतलब वो रिजेक्शन भी होगी बट करते रहो एंड जस्ट प्रिपेयर कि जब इंटरव्यू आए तो उसे फोड़ दो। तो वो पहले से अपनी राइट प्रिपरेशन रेडी रखना एंड आई थिंक हो जाएगा, मतलब एक कंपनी निकालनी है वो हो ही जाएगी, एक ना एक इंटरव्यू तो आ ही जाएगा बेसिकली। तो यही है एंड रीच आउट के लिए तू मोस्टली लिंक्डइन ही सबसे ज्यादा यूज करता था या कुछ और? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिंक्डइन वॉज द गो टू प्लेस जहां पे मैं लोगों को रीच आउट करता था फॉर रेफरल्स या फिर इन जनरल मास्टर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो लिंक्डइन वॉज द प्लेस जहां पे सब मुझे मिलता था। काफी सही काफी सही, तो आई थिंक काफी सही है। मैंने आई थिंक काफी इसकी कॉलेज की जर्नी बारे में डिस्कस करा कि पहले अच्छे कॉलेज से नहीं थे, तो उसने कॉलेज में बहुत सारा पहले डेटा स्ट्रक्चर सीखा, फिर डेवलपमेंट में काम करा, वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीखा, फिर इंटर्नशिप करी कोडिंग जॉब में, वहां से फुल टाइम ऑफर लिया, फिर 2 साल कोडिंग जॉब में बहुत सारे डेवलपमेंट में काम करा और बहुत अच्छे से करा, फिर अमेजोन गूगल से ऑफर आने शुरू हुए, फिर भाई ने डिसाइड करा कि यार नहीं जाना मुझे थोड़ा यूएस एक्सप्लोर करना है, तो वहां गए, यूएस में जाके भी आई थिंक बहुत सारी पढ़ाई भी करी एंड इंटर्नशिप निकाली गूगल जैसी कंपनी से, क्वालकॉम जैसी कंपनी से, एंड इवेंचुअली हम गूगल से फुल टाइम ऑफर लेकर आ गए हैं। तो बहुत ही सही है, बहुत सही लैडर्स पार करे हैं एंड काफी लोग इस चीज से इंस्पायर होंगे। तो विदित एक लास्ट पॉइंट पे एंड करते हैं इसको कि यार तेरे को क्या लगता है कि यार ये करो, इसने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प करा मेरी जर्नी में, क्या वो डेवलपमेंट है, क्या वो डीएसए है, क्या वो मतलब क्या मोटिवेशन देगी यार ये मेरे पास है, मैं आज इससे कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो व्हाट डू यू फील कि एक थिंग यार जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में आज के डेट में कॉन्फिडेंस है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ? सो आई वुड से कि अगर लाइक ये ना बहुत स्पेसिफिक है, मतलब किसी बंदे पे जो कर रहा है एंड मेरे लिए ये था कि मेरा कॉलेज में उतनी लाइक बड़ी कंपनीज नहीं आती थी जो डीएसए मांगती थी, तो मैंने पहले डेवलपमेंट पे फोकस करा बेसिकली, मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं करा। यू विल बेसिकली नो कि तुम अगर कॉलेज में हो कि वो सिनेरियो कैसा है उसका, मतलब बड़ी कंपनीज आती हैं एंड लाइक दे आस्क फॉर डीएसए, तो तुम डीएसए पे ड्रिल डाउन करो। मेरे लिए डेवलपमेंट था तो मैंने डेवलपमेंट पे ड्रिल डाउन किया, बट वो एक बार ही सोच लिया कि करना है तो करना है उसे, मतलब उसे बीच में नहीं छोड़ना, मतलब 10 चीजों में नहीं जाना, उसमें मास्टरी करो अच्छे से एंड फिर बेसिकली आगे एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। श्योर। आई थिंक डेवलपमेंट इज द थिंग यू आर सेइंग कि उसने मेरे लिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा बढ़ाई, राइट? तो सही है सही है। आई थिंक विद इट काफी सही सेशन रहा एंड आई थिंक लोगों को भी काफी सीखने को मिलेगा, लोगों की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड मिलते थैंक यू हैं। सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल बिल्कुल राइट राइट ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू विद इट, थैंक यू।